करके मेडिकल के बच्चे ध्यान सुनिएगा, नीट का जो 45 क्वेश्चन आता है उसमें यूनिट एंड डायमेंशन एरर इन मेजरमेंट एंड वर्नियर कैलिपर स्क्रू गज राइट गेज, मतलब वहाँ से स्टार्ट करके वर्क पावर एनर्जी तक एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन रहता है। और जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उस तरीके से अगर आप उसको फॉलो कर लिए, रेस्ट एंड मोशन का मैं असाइनमेंट जानबूझ के शेयर नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट अटेम्प्ट ऑल HCV, बनता है नहीं बनता है, नहीं बनता वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपका 25th से लेकर 31st के बीच में या 1-2 जितना तक छुट्टी रहेगा उसके बीच में मैं रेस्ट एंड मोशन सुबह एक्स्ट्रा क्लास बुलाकर ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं रेगुलर क्लास को हैम्पर नहीं करूँगा। तो HCV का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आप अटेम्प्ट लेकर रेडी रहिए। नहीं बनता है मैं एक लाइन से सॉल्व कर दूंगा, मैं जब यहाँ पे आता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं मुझे HCV सॉल्व करना है, तो बिल्कुल अपने आप को समझा के आता हूँ कि मुझे 1 से लेकर लास्ट तक जाना पड़ सकता है। ये कोई 1 बोल दिए, कोई 5 बोल दिए, कोई 4 बोल दिए, कोई 3 बोल दिए, ऐसे करके पूरा एक साथ आ ही जाता है, तो उस बात के लिए मुझे कुछ नहीं। हाँ वो सब पहले ये सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। कल आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिए थे? तो क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, करेक्ट, M1 एंड M2, ये इसके साथ टच में है, ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, एक मैं फोर्स F1 लगा रहा हूँ इस तरफ से हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, और एक मैं F2 लगा रहा हूँ M2 पे वर्टिकल से 30 डिग्री बनाकर, करेक्ट। तो F1 F2 आर अप्लाइड फोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेसेस सरफेस में ब्रैकेट लिखे फ्लोर एंड वॉल, मतलब मैं इस सरफेस का बात किया और इस सरफेस का बात किया, करेक्ट, ऑन ब्लॉक्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन साथ में करते हैं।
यहाँ देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहा है कि ये सिस्टम एक्सेलरेटेड M1 M2 एक्सेलरेटेड है या रेस्ट में है, ये सबसे पहला कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक्सेलरेटेड है या M2 कितना सरफेस से कांटेक्ट में है, दीवार और ए फ्लोर, राइट। इसका मतलब M2 पे दो फोर्स कांटेक्ट फोर्स निकाला। पहला क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन सरफेसेज एंड ब्लॉक्स, तो M2 पे ए सरफेस भी लगाएगा, ए भी ए सरफेस भी लगाएगा और M1 पे सिर्फ फ्लोर लगाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले कि हम लोग को एक एक्सेलरेटेड है या रेस्ट है इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्व करने का तरीका यह है कि सपोज कीजिए ये एक्सेलरेटेड या रेस्ट रहेगा, इस तरफ तो जाएगा नहीं, इस तरफ जाने का चांस है क्योंकि दीवार है, करेक्ट। तो अगर ये एक्सेलरेटेड रहेगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, भाई ऊपर जाने के लिए ऊपर की तरफ कोई फोर्स तो लगना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे उसको चेक करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप हॉरिजेंटल फोर्स इस दीवार को माइनस कर दीजिए, क्रॉस चेक में कर रहा हूँ। पहला तरीका तो है कि आप एक काम कर सकते हैं कि पहले सपोज कर लेते हैं, रफ में घर पे काम कीजिए कि लेट अस सपोज M1 एंड M2 आर मूविंग टुगेदर इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए। क्या इनिशियली सपोज कर लेते कि लेट अस सपोज M1 एंड M2 आर मूविंग टुगेदर विथ एक्सेलरेशन ए, तो जब M1 M2 दोनों एक साथ टुवार्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा तो क्या इसके साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो दीवार के साथ अगर कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तो इनिशियली घर पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए टुवार्ड्स ए मान लेते हैं कि या अभी ही चेक करके देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इसका मूवमेंट का एक ही डायरेक्शन था, जो अरेंजमेंट में यहाँ देखिएगा जो डायग्राम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मोशन में रहेगा भी तो किधर जा सकता है, टुवार्ड्स लेफ्ट। मान लेते हैं कि लेट अस सपोज इट मूविंग, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ये F2 इक्वल टू 50 न्यूटन समटाइम्स से मूव कर भी सकता है, समटाइम्स से मूव कर भी सकता है। तो सारे फोर्स यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग सकता था, मैंने मान लिया लेट अस सपोज बोथ आर मूविंग टुगेदर, विथ एक्सेलरेशन ए इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये मेरा अजम्पशन है, करेक्ट ना, जहाँ पे ए मेरा यहाँ पे डायरेक्शन तो मैंने बता दिया ना लेफ्ट, करेक्ट। तो ये क्या बताया होगा, मैग्नीट्यूड, एम मैग्नीट्यूड नेवर बी निगेटिव। तो अगर मैं ए मानकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया मतलब बी आर करेक्ट, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जाना चाहिए, बट इस केस में अपोजिट में जाएगा, कंक्लूजन कि हम लोग रॉन्ग हो गए, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। ये कुछ ऐसा ही है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो ये मैंने मेरा एजम्पशन था। तो इस एजम्पशन के साथ इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो सकता है, पहले इस एजम्पशन को हम लोग देख लेते हैं। इस एजम्पशन के साथ फ्री बॉडी डायग्राम हो सकता है दोनों का एक साथ, दोनों का एक साथ फ्री फ्री बॉडी डायग्राम या अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लाइक M2G M1G N2 N1 और M1 M2 का एक साथ में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है एवरीवन। और एक फोर्स कौन सा, F2, और एक फोर्स कौन सा, F1। और पहले ही हम लोग बोल दिए हैं कि बोथ आर मूविंग इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, एवरेज एजम्पशन का पार्ट था, राइट। तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए, ब्रेक कीजिए। किस डायरेक्शन में ब्रेक करना है बोला कीजिए भाई, क्या एकदम बिल्कुल शांत आत्मा बन जाते हैं,
हॉरिजेंटल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, कुछ तो आपका भी आवाज़ रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्लास चल रही है। हॉरिजेंटल राइटवर्ड डायरेक्शन में, तब ना दूसरे लोग देखेंगे तो वीडियो में तो मोटिवेशन आएगा कि अच्छा बाकी लोग जा रहे हैं मैं भी जाना स्टार्ट करता हूँ। हॉरिजेंटल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन कौन सा दिस सरफेस, इस एजम्पशन के लिए यह सरफेस का कॉन्टेक्ट में रहेगा, ये तो इसको छोड़ कर चल दिया ना, करेक्ट। तो आप तो एक इस एजम्पशन के लिए क्या इस पे फोर्स दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में कितना जीरो बोलते रहिएगा? एम1 जी का जीरो, एन1 का जीरो। क्यों जीरो देवाशीष? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन के साथ अगर कोई वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाता था उस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होता है? रिवीजन कीजिए तो शॉर्ट नोट से बना लीजिएगा वेक्टर का, कितना बढ़िया से तो बताए हैं, एक कमाल का फार्मूला है। नहीं इस पर कितना पूरा एक क्लास इस पर दिया हूँ। इसका कंपोनेंट जीरो, इसका भी कंपोनेंट एफ वन का कंपोनेंट क्या डायरेक्ट माइनस एफ वन लिख दें? और एफ टू का कंपोनेंट कितना होगा भाई? ये मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन है, ये मेरा क्या है हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड, ये मेरा गिवन वेक्टर है, ये एंगल कितना, ये 60 था ना, ये 30 था, तो ये कितना था 60 था। तो क्या लिख सकते हैं एफ प्लस, ये मैं थोड़ा बार बार अभी लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसके साथ ढल जाए कि हम लोग मैं कंपोनेंट कैसे ब्रेक करता हूँ। मैं कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए ऑलवेज एक ही फार्मूला कॉस का यूज़ करता हूँ, कॉस का साइन नहीं यूज़ करता हूँ, सिर्फ क्या यूज़ करता हूँ कॉस, वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। अब प्लस एफ टू कॉस 60 इक्वल टू क्या लिखिएगा? मास इंटू एक्सलेशन, करेक्ट। एम वन प्लस एम टू इंटू ए, एम वन प्लस एम टू इंटू ए, ए वैल्यू कितना है माइनस 100, राइट। एफ वन का वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पे, और ए वैल्यू कितना हो जाएगा 25 लिखते हैं, इक्वल टू ए वैल्यू कितना हो गया? तो ए इक्वल टू माइनस 75/30 निगेटिव। अरे तो मैंने मैग्नीट्यूड माना था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दिए थे, तो क्या ए निगेटिव होगा? इसका मतलब मेरा एजम्पशन सही रहा या रॉन्ग हो गया? इसका मतलब है कि एम वन एम टू मूव नहीं करेगा, दिस इज द कंक्लूजन, करेक्ट है ना? यहाँ तक कोई डाउट? लिखे इट मीन्स इसके बाद ए बिकम्स निगेटिव, लिखिए भाई जल्दी से, ए बिकम्स निगेटिव इट मीन्स सिस्टम आर नॉट मूविंग, ए बिकम्स निगेटिव। बाकी यहाँ देखिएगा, सब लोग इधर देखिए, बाकी जगह पे यहाँ देखिए, अगर ये दीवार नहीं रहता, ध्यान सुनिएगा, अगर ये दीवार नहीं रहता और मैं मान लेता कि लेफ्ट जा रहा है और ए निगेटिव आ जाता, तो उस केस में होता क्या होता? उस केस में होता कि एक्स का एक्सेलरेशन सेम है लेकिन मूविंग इन राइट वर्ड डायरेक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड, क्या होता तब वहाँ पर मैं ये बात बोलता, बट बिकॉज ये राइट वर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता क्योंकि इसको दीवार रोक के रखा है, इसलिए यहाँ पे ए निगेटिव का मतलब आप ए नहीं, बाकी जगह पे मैं ये बोलूँगा एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया इसका मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट बोलने का स्पेस है, स्कोप है नहीं है, क्योंकि उसको कौन रोक के रखेगा? दीवार। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? इट मीन्स सिस्टम आर नॉट मूविंग, मीन्स सिस्टम आर इन रेस्ट, लिख लीजिए। क्योंकि ये इसके साथ टच में रहेगा क्या, जब आप खुद बोल दिए कि जा रहा है यहाँ से, करेक्ट। तो जब टच में ही नहीं तो कॉन्टैक्ट है नहीं है, करेक्ट है ना? ये जस्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि दिमाग में 1% आ सकता था ये बात। यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं कि एफ टू 300 न्यूटन ले लेते, क्या लेते तब क्या होता? तो सर माइनस 100 प्लस 150 हो जाता, इक्वल टू 30 है, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता ना उस टाइम पे, तो मैं करेक्ट हो जाता। इसका मतलब ये अप्रोच सही था, मतलब यहाँ पे लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो गया, बट टाइम वेस्ट नहीं हुआ, समटाइम्स एफ टू का वैल्यू ऐसा भी तो एडजस्ट कर सकते थे जिसमें इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं रहता। अब मेरा ऑब्जेक्टिव रहता व्हाट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीवार एंड दिस ब्लॉक, तो आंसर क्या रहा था? जीरो। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या रहा था?
जीरो का मतलब नो कॉन्टैक्ट, जीरो का मतलब क्या, तो ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, इसलिए मैं ए अप्रोच लिया। लिख लिया आप लोग, तब इस प्रॉब्लम को दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या मानकर कि M1 M2 रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। नीचे एक लाइन और लिखिए, इट मींस M1 एंड M2 आर इन इक्विलिब्रियम, इट मींस M1 एंड M2 आर इन इक्विलिब्रियम। चलिए, आधा काम मैंने कर दिया कि M1 M2 इक्विलिब्रियम में है, बाकी आप सॉल्व कीजिए। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन तो सॉल्व करने का तरीका सिखाया हूँ। अच्छा स्टूडेंट, आप इसको जो लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं एम वन एम टू का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, कैसे? लेकिन कभी ना कभी एम वन एम टू का अलग अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन कभी ना कभी आपको एम वन एंड एम टू को अलग भी तो दिखाना पड़ेगा इसके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए। बट चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 50 ही बनाएंगे, लेकिन उस 50 क्वेश्चन में सिर्फ आंसर नहीं लाएंगे, उस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सारा चीज़ दिमाग में चलना चाहिए। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये रहता कि फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीवार एंड ब्लॉक, क्या रहता एग्जाम में नीट में, तो उस टाइम पर आप कौन सा अप्रोच लेते हैं, दैट्स व्हाई कि आपका कम से कम टाइम बन जाए। तो मान लेते हैं कि पहले एम वन प्लस एम टू को सिस्टम मान लेते हैं, तो M1 और M2 को सिस्टम मानेंगे, तो M1 और M2 के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाने का रिक्वायरमेंट है, तब सिर्फ क्या रहेगा M1 M2 जी, M1 जी N2 N1, इस चारों के बदले आप ऐसे भी दिखा सकते हैं स्टूडेंट, M1 प्लस M2 इंटू व्हाट, और क्या दिखा सकते हैं, मतलब कितना, लेकिन मैं फिर भी मैं ऐसे करके दिखा दूँ दैट्स व्हाई कि आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी फीलिंग आता रहे, करेक्ट। ऐसे इस चैप्टर का नाम ही है पार्टिकल डायनेमिक्स, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने के लिए आप इसको सिर्फ पार्टिकल जैसा ट्रीट कर सकते हैं। और कौन सा फोर्स रहेगा, मान लेते हैं कि ये फोर्स क्या है N3, और कौन सा फोर्स F1, और कौन सा फोर्स F2, करेक्ट। और ये मोशन में या रेस्ट में, रेस्ट में है, तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को आपकी मर्जी है किधर ब्रेक करना चाहते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, चलिए कोई बात नहीं है, रियल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स जिन्हें हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट कितना है होगा, जीरो 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 एंड जीरो, इन चारों कंपोनेंट जीरो,
और इसमें तार समझ गया क्यों जीरो, क्योंकि एक 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन के साथ रहेगा। तो कोई भी वेक्टर किसी डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री पर रहता है तो उसका कंपोनेंट क्या होता है उस डायरेक्शन में, जीरो होता है। करेक्ट। एफ वन का कंपोनेंट एफ वन कॉस जीरो, एफ वन वेक्टर इस डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बनेगा, जीरो। चलिए एन थ्री का कंपोनेंट, वेरी गुड, ये मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन है। देख लीजिए ये मेरा क्या है, ये मेरा गिवन वेक्टर है, ये एंगल कितना, भाई ये है 60, ये कितना रहेगा, ऐसा पढ़े ना थ्योरम, तो ये रहेगा क्या 120। तो क्या बोलेंगे, एफ टू कॉस 120 इक्वल टू व्हाट, जीरो। 100 माइनस एन थ्री, और इसके बदले क्या लिख दें, माइनस 25 लिखें, इतना कैलकुलेशन में स्लो हैं आप लोग, 75 न्यूटन। इसका मतलब सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव रहता, फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन दीवार एंड ब्लॉक, देन बस M1 और M2 को सिस्टम मानना मेरे लिए लाभदायक रहता, कम टाइम में सॉल्व हो जाता। राइट, यहाँ तक आ जाइए, ये हो गया ना। चलिए अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। अब सिर्फ आप M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो M2 पे कौन कौन सा फोर्स दिखाएंगे, बोलना आप ही लोग का है, मुझे गाइड कीजिए कौन कौन सा फोर्स दिखाएं सिर्फ M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। भाई M2 जी तो इसका फंडामेंटल राइट है, और कौन सा, N2, और कौन सा, N3, और कौन सा, F2। मेरा क्वेश्चन है कि इस पर F1 रिप्रेजेंट, यहाँ देखिएगा लास्ट बेंच का सेकंड, इस पर F1 दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। F1 लग रहा, जब M2 को सेपरेट कर दिया M1 से, F1 तो लग रहा था M1 पे, F1 किसके बॉडी पर लग रहा था, M1 के बॉडी पर लग रहा था, इसलिए यहाँ पे F1 हम लोग नहीं शो करेंगे। करेक्ट। और कौन सा फोर्स, N4, अरे कौन लगाएगा, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। चलिए यहाँ देखिएगा, सारे फोर्स को हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कीजिए, तो सारे फोर्स को हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो N4 का कंपोनेंट कितना होगा, N4 ही होगा। और ये सब जो दिखाते रहते हैं N1 N2, ये सब मैग्नीट्यूड रहता है डायरेक्शन, तो यहाँ पैरों से दिखाता हूँ। राइट, इसका कंपोनेंट कितना, इसका कंपोनेंट N3 का कंपोनेंट कितना रहेगा, और इसका तो भी जस्ट कंपोनेंट लिखे थे, F2 का कंपोनेंट डायरेक्शन में डायरेक्ट लिखे थे ना, मतलब -25। चलिए कोई बात नहीं, ये लिख सकते हैं ना, F2 cos 120, F2 cos 120, मतलब मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन ए था हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड। ले सकते हैं, अभी मेरा पर्पस था N4 निकालने का, तो N4 निकालने के लिए अपवर्ड लेंगे तो N4 आ पाएगा नहीं, बट यहाँ पे अपवर्ड भी लेंगे, अपवर्ड लेंगे पर्पस रहेगा N2 निकालने का, क्या पर्पस रहेगा, N2 निकालने का, दोनों लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए तो N4, N3 का वैल्यू आपके हाथ में है 75, और -25 इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो N4 इक्वल टू कितना न्यूटन, 100 न्यूटन। N4 निकल गया यार, N4 निकालने का मतलब सेकंड क्वेश्चन बन गया है, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, करेक्ट।
चलिए आप सारे फोर्स को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन रिजॉल्व कीजिए। तो जब वर्टिकल अपवर्ड यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये मेरा ब्लॉक है, और हथेली मेरा सरफेस है, राइट। मैंने इस पर रख दिया, अगर इसको ऐसे प्रेस करेंगे, अभी ऐसा रखा हुआ है तभी तो इसके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, इस बुक और इस फ्लोर के बीच में, सरफेस के बीच में। लेकिन ऊपर से अगर प्रेस करेंगे तो ज़्यादा कम कॉन्टैक्ट रहेगा, ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहेगा और ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर ए फोर्स नहीं रहता तब तो n2 = m2g हो जाता, बट अब ज़्यादा वैल्यू आएगा m2g से ज़्यादा, वजह है वहाँ देखिए, करेक्ट। तो सारे फोर्स को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो n2 का कंपोनेंट कितना मिलेगा, n2 m2g का कितना मिलेगा, और भाई इसका कंपोनेंट कितना मिलेगा, तब मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन यह है और ए एंगल कितना, तो ए एंगल कितना था, ए एंगल 60 था, ए एंगल 30 था, तो ये 150 हो गया ना, कितना हो गया 150, F2 cos 150 इक्वल टू व्हाट 0। देन N2 इक्वल टू, और N2 M2G का वैल्यू कितना था 20 ना, क्या इस पर 200 करते हैं M2G के बदले, F2 का वैल्यू कितना था 50, cos 150 का वैल्यू कितना -√3/2, देखिए -√3/2 इक्वल टू व्हाट, देन N2 इक्वल टू 200 प्लस 25√3 न्यूटन, ठीक है ना। चलिए तो वेरी फ्रैंकली यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं लगता है कि सबसे क्रूशियल बात, मतलब बाकी तो इसमें सब कुछ थोड़ा बहुत आएगा ही जैसे, लेकिन यहाँ पे पहला इस क्वेश्चन का क्वालिटी क्या था कि पहले हम लोग को वी हैव टू डिसाइड कि सिस्टम, ये कभी कभी समटाइम दिया हुआ रह भी सकता नहीं भी रह सकता, आपको देख कर पता नहीं चलेगा, तो आपको कन्फर्म करना रहेगा कि एक्सलेटेड है या इक्विलिब्रियम में है, राइट। कभी कभी कुछ देख के दम लग रहा है ऑब्वियस है एक्सलेटेड है ही मोशन में है, बट यहाँ पर ऐसा चीज़ ऑब्वियस था, F2 का वैल्यू 300 कर देते तो कुछ और हो जाता। चलिए अब N2 का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब है कि M2 के बारे में सारे M2 पे सारा कॉन्टैक्ट फोर्स जो लग रहा था, दिस वन का वैल्यू निकाल चुके हैं। yes. अब सिर्फ किस क्या निकालना है N1, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो N1 कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए किसका सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको हटाएं, लिख लेते ना आप लोग, नहीं लिखा, मतलब ये मैंने वर्टिकल अपवर्ड इसमें ब्रेक किया था। चलिए अब M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम के लिए M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, M1G, और कौन सा फोर्स N1, और कौन सा फोर्स N1. और कौन सा फोर्स मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, राइट, डायरेक्शन जैसा अपोज, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा, कौन सा लॉ से, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, राइट। एक बॉडी जितना दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाता है, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट। चलिए तो आपको ये तो निकालना नहीं है, ये पहले से पता ही है, निकालना सिर्फ क्या है, ये वाला पार्ट तो और भी आसान है, सारे फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए। इसका कंपोनेंट कितना आएगा, बोले 0, इसका भी कंपोनेंट कितना आएगा 0, राइट। N1 का कंपोनेंट N1, IMG का M1G का कंपोनेंट इक्वल टू व्हाट, देन N1 इक्वल टू 100 न्यूटन, दिस इज आंसर, हो गया ना। जी।
जितना भी प्रॉब्लम क्लास में बोर्ड पे लेता हूँ, घर पे जाकर दोबारा बनाना है आप लोग को रफ में, ताकि एक इस टाइप पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्या क्या सिखाया वो रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाए। मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म रॉड है, क्या है यूनिफॉर्म रॉड बोलने का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, एवरी यूनिट का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस टाइप का रॉड रहता इसको यूनिफॉर्म रॉड बोलेंगे नहीं बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रॉड बोलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तो फाइंड द टेंशन इन द रॉड, फाइंड आउट द टेंशन इन द रॉड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, फाइंड द टेंशन इन द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज टेकन फ्रॉम व्हाट द मीनिंग ऑफ रियर एंड, पहले वाला आगे पीछे से, फ्रंट साइड से नहीं, एक्स में कहाँ से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, वेयर एक्स टेकन फ्रॉम रियर एंड। सॉल्व कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे इक्विलिब्रियम में, जहाँ पर रॉड आपका रोप या रॉड मैसिव था, तो उसी टाइप का सिमिलर एक क्वेश्चन है, बट वहाँ पे सिस्टम रेस्ट में था, यहाँ पे सिस्टम रेस्ट में नहीं रहेगा। अब फ्लोर मेरा क्या है, फ्लोर के बारे में अगर कुछ भी नहीं बात करेंगे अभी तो बिल्कुल बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस ही है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, और ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ टेंशन वर्सेज एक्स,
यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये मेरा रिजिड रॉड है राइट, और अगर ये रिजिड रॉड है तो रॉड का ईच एंड एवरी पॉइंट डिफरेंट एक्सेशन जाएगा या सेम एक्सेशन से? और आपको क्या बोला गया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे टेंशन पूछा जाएगा तो इवन इफ ये कट नहीं किया लेकिन हम लोग इमेजिन कर लेंगे, इसको मान लेते हैं पार्ट फर्स्ट, इसको मान लेते हैं पार्ट सेकेंड, बट इनिशियली हम लोग पूरे रॉड का बात करते हैं, पूरे रॉड का। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड का डिफरेंट एक्सेशन रहेगा या सेम एक्सेशन रहेगा? सेम एक्सेशन। तो पूरे रॉड का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कौन कौन सा फोर्स, एफ, और कौन सा फोर्स एम जी, और कौन सा फोर्स एन, करेक्ट। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को अगर हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज, अपन था कि रॉड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड रहेगा, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा जीरो, इसका कंपोनेंट कितना होगा जीरो, और एफ का कंपोनेंट क्या रहेगा, एफ कॉस जीरो मतलब एफ इक्वल टू व्हाट, एम इन टू ए। तो क्या यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया एफ वाई एम? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? चलिए स्टूडेंट अब यहाँ देखेंगे, मैं फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट फर्स्ट का ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सिर्फ उसी को यहाँ दिखाएंगे, यहाँ देखेंगे। तो इस पार्ट फर्स्ट का मास कितना, इसका मास मैं मान लेता हूँ एम, एम वन, तो एम वन इक्वल टू एम बाई एल इंटू एक्स लिख सकते हैं, सिखाए तो थे, एल लेंथ है तो मास एम है, तो यूनिट लेंथ है तो मास एम बाई एल यूनिटरी मेथड से, तो एक्स लेंथ है तो मास कितना, एल लेंथ का मास कितना एम, तो वन लेंथ का मास कितना, इसको यूनिटरी मेथड ही बोलते हैं ना, तो एक्स लेंथ का मास कितना एम बाई एल इंटू एक्स, इसी को हम लोग क्या मान रहे हैं एम वन, तो ये आपका एम वन है करेक्ट, रिक्वायरमेंट होने पे एम वन का वैल्यू पुट कर लेंगे, बट एम वन का एक्सेलरेशन आप पूरे ब्रॉड का एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि रिजिडली पैक्ड है, अटैच है। बट मेरा अब क्वेश्चन ये है कि इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए एम वन जे और एन वन, इन दोनों का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड एक्सेलरेशन है, इसका हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन है करेक्ट, और वो एक्सेलरेशन हम लोग को पता है, बट एक्सेलरेशन होने के लिए फोर्स तो चाहिए, इसका एक्सेलरेशन किसके वजह से है, इस पर कौन, अगर पार्ट फर्स्ट पर सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट एक्सेलरेटेड है किसके फोर्स की वजह से? एफ नहीं बोलना है, एफ तो लग रहा था पार्ट सेकेंड पे आपने तोड़ दिया ना, आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड को तोड़ दिया, अलग कर दिया राइट, तो एफ को क्या पार्ट फर्स्ट पे दिखाएंगे? वो तो पार्ट सेकेंड पे लग रहा था, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेटेड है इस पर कौन फोर्स लगा रहा होगा? यस, ए सेकेंड वाला रॉड, सेकेंड पार्ट वाला, और वो क्या कर रहा था, पुश कर रहा था या पुल कर रहा था? पुल कर रहा था करेक्ट, और जो पुलिंग फोर्स है यहाँ पे उसी को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दिए हैं, टेंशन करेक्ट। देखते कभी कभी रॉड को खींच रहे हैं या रस्सी को खींच रहे हैं, ब्रेक कर जाता है जहाँ पे उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया, तो यहाँ पे यही है टेंशन, और ये कौन लगा रहा है, टेंशन ऑन वन ड्यू टू टू, करेक्ट है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? तो सारे फोर्स को हॉरिजॉन्टल राइट बाय डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए, तो टी का कंपोनेंट कितना टी, और इसका कंपोनेंट, इसका भी कंपोनेंट, तो टी के लिए क्या लिखेंगे, एम वन इंटू ए, एम वन इंटू ए, और एम वन का वैल्यू पता है ना, एम बाई एल इंटू एक्स इंटू हार्ट ए, और ए का वैल्यू कितना है, पुट कर दीजिए एफ वाई एम, एम एम कैंसिल करते हैं, तो क्या हो गया टेंशन का वैल्यू, टी इक्वल टू एफ वाई एल इंटू एक्स, करेक्ट है ना?
चलिए इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं जस्ट लाइक बाई आई जस्ट लाइक एक एम आई तो एक्स है ही तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ उस स्लोप इज व्हाट एफ वाई एल इसका ग्राफ ये तो बिल्कुल बन सकता है जेई मेन और नीट का ऑब्जेक्टिव तो टी वर्सेस एक्स का ग्राफ ये रहेगा आई ग्राफ कहाँ तक जाएगा एक्स मैक्सिमम आप कहाँ तक लेंगे एल तक एक्स इक्वल टू और अगर एक्स का वैल्यू अब यहाँ देखिएगा एक्स का वैल्यू इंक्रीजेज एक्स का वैल्यू जीरो तो टेंशन तो एक्स का वैल्यू जीरो का मतलब आप यहाँ पे हैं इसका मतलब यहाँ पे कोई टेंशन रहेगा इस वाले पार्ट को किसी को पुल करना है क्या नहीं करना है सबसे मैक्सिमम टेंशन कहाँ रहेगा यहाँ रहेगा एक्स इक्वल टू ए वेरी गुड एक्स इक्वल टू एल पे मैक्सिमम टेंशन रहेगा करेक्ट है ना कल के डेट में आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए राइट आपका रेलवे में ज्वाइनिंग हो गया सपोज कीजिए और दो डब्बा के बीच में एक यूनिवर्सल कपल लगा रहता है क्या लगा रहता है दो डब्बा एक डब्बा दूसरे डब्बा को पुल करता रहता है ना तो उसको मैं क्या नाम दिया वो ऐसा कपल रहता है जो हर डायरेक्शन में घूम सकता है कौन सा डायरेक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम हर तरफ रहता है वजह कि कहीं पे टर्निंग है तो एक डब्बा अगर रिजिडली रहता उसका स्ट्रेट रहेगा तब तो उसको ऐसे पलट देगा टॉपलिंग हो जाएगा इसलिए वहाँ पे वो अपने आप को ऐसे कर लेता है तो सबसे और आगे में है इंजन क्या है मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाए इंटरव्यू में कि सबसे मजबूत कपलिंग कहाँ पे होना चाहिए करेक्ट अरे यहाँ पे तो कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो बस क्रॉस का साइन लगाया रहता है लास्ट डब्बा पे राइट तो यहाँ पे तो कोई टेंशन का रिक्वायरमेंट कपल हो या नहीं हो कपलिंग जो लगा रहता है इसका मतलब है कि ऐसे है तो भाई तो सबका ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ रहता है लेकिन फिर भी अगर ऐसे लॉजिकली पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ रहना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि तो सारे बॉगी को खींचना है करेक्ट इसका मतलब इस केस में जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है टेंशन का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसमें इस प्रॉब्लम में और कोई डाउट समझ में आ गया है 100% अब इस टाइप का कैटेगरी का प्रॉब्लम एच सी बी में दिखाएगा तो बन जाएगा ठीक है क्या बोले क्या कर सकते हैं पर हाँ पार्ट सेकंड को भी लेकर कर सकते हैं आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो पार्ट सेकंड को लेकर कर रहे हैं एफ एम टू जी एन टू टी करेक्ट है ना ऐसे देखिए तो ये फ्री डायग्राम है पार्ट सेकंड में तो मिलाइए टेंशन का भी सिखाया हूँ टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी आपने टुबास लगा दिया टेंशन जब प्रेशर क्रिएट कर दिए टेंशन जब क्या क्रिएट कर दिया देन लेकिन फिर भी आप बोल दिए तब इन लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए पार्ट सेकंड को लेकर इसको आप लोग पास देख लीजिए बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या ये लिख सकते हैं एफ माइनस टी इक्वल टू एम टू इन टू ए हाँ या ना एफ माइनस टी इक्वल टू वाट एम टू इन टू एफ माइनस टी एम टू का वैल्यू जल्दी से बोलेंगे एम बाई एल इन टू एल माइनस एक्स एल माइनस एक्स और ए का वैल्यू एम और एम आपस में एफ माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया एफ वाई एल एल माइनस एक्स इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए एल 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 कैंसिल एफ और यहाँ पे क्या लिखेगा एफ माइनस टी एफ और एफ आपस में तो माइनस माइनस बिकम्स अलग वैल्यू आया सेम वैल्यू आया डिटो सेम वैल्यू आया करेक्ट Thank you.
नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए होल द होल सिस्टम द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन 2 meters per second square यहां देखिए स्टूडेंट, ये लैंग्वेज नहीं बनाऊंगा इसके लिए। M1 M2 को कनेक्ट कर रहा है एक रोप, बट ये रोप लाइट रोप रोप नहीं है, ये मैसिव रोप है। इसका मास M3 है, कितना है, अरे 2 kg दिया हुआ है, करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F0। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन रोप। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेंशन एट मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप, व्हाट इज द टेंशन एट मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप। सॉल्व कीजिए, एटलीस्ट आप पार्ट फर्स्ट सॉल्व कीजिए जो कि आपके डोमेन में है, सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट तो उससे भी आसान है, फिर भी सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट मैं सॉल्व कर दूंगा, पार्ट फर्स्ट एटलीस्ट सॉल्व कीजिए।
एफ नॉट का वैल्यू निकल गया आप लोग का आंसर 120 और एनीवन एट्टी। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए अगर एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही रहता तो आप कम से कम टाइम में सॉल्व करना पसंद करते, तो एम वन एम टू एम थ्री इन तीनों को एक सिस्टम मान लेते। उससे फ़ायदा क्या होता कि इसके बीच में आपको फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो एम वन प्लस एम वन एम टू एम थ्री को एक सिस्टम मानते हैं और तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। करेक्ट है ना? एम वन ये हो गया, एम टू ये हो गया, एम थ्री इस पर कौन कौन सा फोर्स और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स रहेगा? एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू व्हाट जी। करेक्ट। यहाँ देखिए जब इसका थ्योरी पढ़ा रहे थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो लिखे थे ना सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स इन एक्स एक्सिस इक्वल टू एम इंटू एक्स। ये क्या था? नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये क्या था? इसमें सिर्फ वन ऑफ द फोर्स था या बहुत सारे फोर्स का सम? दिस इज कॉल्ड नेट फोर्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेट फोर्स। तो सेकेंड क्वेश्चन का माहौल यहाँ से बन जाएगा। करेक्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस M1, M2 और M3 पर नेट फोर्स, तो सिर्फ F0 बोलेंगे या F0 और इन दोनों का रिजल्टेंट? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ना। नेट फोर्स का मतलब सिर्फ दिस वन या इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या बोलेंगे? मास इनटू। तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? तो सर यस एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो नेट फोर्स भी किधर रहा होगा? ऊपर की तरफ रहोगा। करेक्ट। इसका समझ रहे हैं मेरे बात को? तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को ऊपर की तरफ रिजॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स ऑन होल सिस्टम अगर फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन रहता तब तो और भी आसान है। एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए मास इंटू नेट फोर्स इक्वल क्या लगते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू व्हाट? एक्सेलरेशन। और आसान था राइट? तो यहाँ पे सारे फोर्स है कंपोनेंट को ऊपर की तरफ रिजॉल्व कीजिए वर्टिकली अपर डायरेक्शन में। एफ नॉट का कंपोनेंट एफ नॉट और इसका कंपोनेंट माइनस एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू जी इक्वल टू व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू व्हाट? ए। और ए वैल्यू कितना? यहाँ देखिएगा दिस इज द नेट फोर्स इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज व्हाट? और दिस नेट फोर्स इक्वल टू व्हाट? होल मास इनटू एक्सेलरेशन। होल मास इनटू। तो आज के बाद सपोज कीजिए कि आपका कोई सिस्टम है और उस होल सिस्टम का मास पता है और एक्सेलरेशन भी पता है तो विदाउट ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम डायरेक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन से निकल जाएगा क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू क्या लगते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ गए? चलिए कितना मास हो गया? दो और कितना हो गया? टेन ना। तो एक यहाँ पे एफ नॉट माइनस टेन इंटू टेन हंड्रेड। अरे कितना रहेगा? ट्वेंटी। तो एफ नॉट इक्वल टू कितना? ये तो आसान था। तो जिनका एट्टी आया वो अपना मिस्टेक पकड़िए क्या कर दिए हैं। किसी का आंसर एटी आया था? कैसे एटी आ गया? अच्छा नहीं थे मतलब अगर आप इस सिस्टम को मान रहे हैं किस ब्लॉक का सोचे थे तब तो फिर वहाँ पर टेंशन भी दिखाना पड़ेगा ना एम थ्री की वजह से। अच्छा मतलब अलग अलग पार्ट तोड़ के बनाए हैं लेकिन अभी फिर वहाँ पर भी देख लेते हैं। तो एफ नॉट का आंसर क्या रहेगा?
तो सिर्फ अगर एग्जाम में नीट के एग्जाम में सिर्फ एफ नॉट पूछा जाता तो आपको ब्रेक करके दिखाने का रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अच्छा रहता है या कम टाइम में ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या था? नेट फोर्स ऑन रोप। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। इसको हटाएं इस पार्ट को। ओके एवरीवन, ध्यान से सुनना है। नेट फोर्स ऑन रोप, तो सिर्फ रोप को दिखाएंगे, करेक्ट? रोप पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? क्या एक फोर्स तो इसका फंडामेंटल राइट है, और कौन सा फोर्स? हाँ या ना? टेंशन। देखिए रोप इस पे टेंशन लगाएगा ऊपर की तरफ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये भी तो रोप पे टेंशन लगाएगा, किसके तरफ? नीचे की तरफ। अच्छा जस्ट ऐसे ही पता है ना, आजकल महाराष्ट्र में बंदर बहुत आतंक मचाए हुए है, एक न्यूज में देख रहा था, और एच सी वर्मा में बंदर पे बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, राइट? न्यूट्रल ऑफ मोशन में। तो उतना छोड़िए मंकी, मान लेते हैं कि रस्सी है, स्ट्रिंग है, करेक्ट? और आपको रस्सी पकड़ कर ऊपर चढ़ना है, क्लाइंबिंग अप, रुक रुक कर नहीं, ऐसे चढ़ते जाना है। तो भाई आप पे कौन फोर्स लगा रहा है चढ़ने के लिए? मेरा बहुत सिंपल सा, अभी मत बोलिए सर मैं खुद ही चढ़ रहा हूँ रस्सी के सहारे। मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं कि मैं सिर्फ एक कोई मिस्टर ए हैं, राइट? अरे ऊपर की तरफ रस्सी के सहारे चढ़ रहे हैं, और इनका कुछ एक्सेलरेशन है विथ एक्सेलरेशन ए। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब सिर्फ मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, करेक्ट है ना, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो कुछ तो फोर्स लगना पड़ेगा, कौन लगाएगा? कैसे? वेरी गुड। हम लोग रोप को चढ़ने के टाइम पे क्या करेंगे? नीचे की तरफ पुल करेंगे, ऐसे ना, नीचे की तरफ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से, बड़ा कमाल का लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ से चढ़ गए हैं, पता ही नहीं चला आपको। आप ऐसे एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर पे तब उसको प्रेस करते हुए, राइट? तो भी आपको क्या किया, उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ प्रेस किया है। ये नहीं सर बिल्कुल सीढ़ी पकड़ के आ गए, बट फिजिकल लैंग्वेज में वो एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ कमाल है। डे टू डे लाइफ में आप चल भी रहे हैं ना, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ही है। कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। अगर फ्रिक्शन गायब कर दीजिएगा तो एक ही जगह पर दौड़ते रहिएगा, जैसे आप जिम में करते हैं एक ही जगह पर दौड़ रहे हैं। आइडियल अगर भाई सब लोग अपना मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, या हो सके तो मोबाइल को रख ही लीजिएगा बैग में। ऐसा नहीं कि राकेश सर बाहर गए तो थोड़ा देख लेते हैं क्या व्हाट्सएप में नया अपडेट आया, स्टेटस क्या चेंज हो गया, मैं नहीं चेक करता हूँ, पहले तो आता ही नहीं था, गलती से एक दिन क्लिक हो गया तो किसी ने कॉल कर दिया कि आप मेरा स्टेटस चेक किए, मतलब कुछ शायद दिखाता है या क्या होता है, डोंट नो। मतलब कि मुझे आता ही नहीं कि स्टेटस क्या होता है, बाद में पता चला, अभी तक नहीं समझ में आता कि वहाँ पर कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। मतलब व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट के लिए, ना कि खुद के लिए। लेकिन मानिए सिर्फ स्टूडेंट को और ग्रुप को इंटरटेन करता हूँ, और अपने फैकल्टी के साथ कि हाँ आज ये क्लास है, तो अगर मैसेज भी करते हैं तो किसी फैकल्टी को कि आज क्लास आपका इतना बजे लग गया है, बस इतना ही, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। उसके अलावा नॉट ए सिंगल लाइन। मतलब मुझे बहुत इरिटेशन है, बट अभी मजबूरी है कि फ़ोन का ही ज़माना आ गया तो वो है, अदरवाइज फ़ोन पे बहुत देर तक बात करना, अब तो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे मैं कम्युनिकेट करने भी नहीं आता है। फ़ोन पे अगर मुझसे बात कीजिएगा तो बड़ा शॉर्टकट में आंसर देने की कोशिश करता हूँ, या ठीक है, या व्हाट्सएप पे ओके। अभी अभी एक्सप्लेन करते रहेंगे, नहीं नहीं आप इस दिन आइए, फिर ऐसे हम लोग असाइनमेंट देंगे, या कोई प्ले लिस्ट ठीक है भेज देंगे। मतलब मैं समझ गया ना कि आप क्या, आपका रिक्वायरमेंट क्या है,
इसका मतलब है कि ये आदमी इस स्ट्रिंग को नीचे पुल करेगा, खींचेगा, तो स्ट्रिंग भी न्यूटन थर्ड लॉ से इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम आपको एचसीबी में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली इसके लिए था, यहाँ देखिए ये रोप इस M2 को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है टेंशन लगाकर, तो M2 पे अगर ये रोप ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से M2 भी तो इस रोप पे नीचे की तरफ लगाएगा, करेक्ट। अब यहाँ देखिएगा M1 रोप को ऊपर खींच रहा है, ये रोप ऊपर किसके वजह से जा रहा है, अभी नहीं बोला F0 डायरेक्टली किसके कॉन्टेक्ट में, M1। तो एक्चुअल में अगर हम लोग इस रोप पे देखेंगे तो रोप पे M1 किधर फोर्स लगा रहा है, इसलिए मैंने टेंशन T1 लगाया, करेक्ट। और ऐसे भी टेंशन X अवे फ्रॉम द बॉडी, तो इस पार्ट पे ऊपर की तरफ और इस पार्ट पे। फिर आपका दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, सर टेंशन तो बताए थे कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम रहता है, मेरा आंसर रहेगा वो आइडियल स्ट्रिंग का था, यहाँ पे आइडियल स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग हैविंग सम मास, मास, इसलिए अगर स्ट्रिंग का मास है तो इस पॉइंट या ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट, इस पूरे रोप पे नेट फोर्स क्या रहेगा, टी वन रहेगा, टी टू रहेगा, एम थ्री जी रहेगा, या इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट टी वन ऊपर की तरफ, तो नेट इफेक्ट ऊपर की तरफ ही रहेगा, वजह रोप किस तरफ एक्सेलरेटेड है, तो टी वन और माइनस टी टू और माइनस एम थ्री जी इक्वल टू व्हाट, एम थ्री इंटू ए। और ये जो है ये है नेट फोर्स, क्या है नेट फोर्स इक्वल टू व्हाट। तो सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपसे टी वन पूछा हूँ, टी टू पूछा हूँ या नेट फोर्स पूछा था, तो टी वन टी टू यहाँ पर निकालने का रिक्वायरमेंट है, इज इट कंपल्सरी टू फाइंड आउट द टी वन एंड टी टू फॉर फाइंड आउट द नेट फोर्स, क्योंकि ये दिया हुआ है तो मुझे सॉल्व करना रहा था तो मैं इसको फ्री बोर्ड डायग्राम में नहीं दिखाता, मैं सिर्फ आपके लिए ड्रॉ किया। नेट फोर्स इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो रहेगा नेट फोर्स। इसका वैल्यू किसके बराबर रहेगा इसका, अरे है क्या, ये है नेट फोर्स, करेक्ट है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन। सबको समझ में आ गया सोल्यूशन, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, एम थ्री का वैल्यू कितना था, 2 इंटू टू कितना, 4 न्यूटन। ओके एवरीवन, अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, यस मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट को कट कर देंगे, तो मिडिल पॉइंट को कट करने के बाद ए पार्ट मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पार्ट मेरा क्या होगा रोप का सेकेंड पार्ट, तो मैं M2 और फर्स्ट पार्ट को एक साथ ले रहा हूँ, किस पार्ट को, यहाँ पे, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए इस पूरे रोप का मास कितना था, 2 kg, तो आधा हाफ ऑफ द रोप का मास कितना रहेगा, 1 kg, तो M2 टू आप प्लस एम थ्री बाई टू इंटू जी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे T, क्या लिख देंगे T, और कोई फोर्स लगेगा, और कोई फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट, और सारे फोर्स को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, तो क्या लिखेंगे T माइनस एम टू प्लस एम थ्री बाई टू इंटू जी इक्वल टू व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है, 3 kg था, इसका मास कितना, 1 हो गया, तो 4 इंटू व्हाट 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मैंने मास जोड़ दिया, किसका मास, इसका मास 4 kg हुआ इसका, और एक्सेलरेशन कितना था 2, अरे कितना है 4 ना, तो T माइनस 40 कर दें इक्वल टू 8, देन T इक्वल टू कितना 48। ठीक है, नहीं M2 को इंक्लूड करना जरूरी नहीं था,
लेकिन अगर M2 को इंक्लूड नहीं करते सिर्फ फर्स्ट पार्ट लेते तो यहाँ पे दिखाते T, यहाँ भी तो दिखाना पड़ता T2, तो थोड़ा सा मेरे लिए और कॉम्प्लिकेटेड होता, फिर T2 निकालने के लिए मुझे M2 को अलग से दिखाना पड़ता है ना। तो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी था। फर्स्ट पार्ट भी सिर्फ दिखा सकते हैं बट उसमें ए फोर्स भी तो आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब प्लस एम थ्री बाई टू इंटू जी, ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम होता तो आपके पास अननोन तो दो हो गया ना स्टूडेंट। तो इसको टी टू निकालने के लिए फिर से किसका ड्रॉ करते हैं? एम टू का ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसके बीच का इंटरनल फोर्स को ही गायब कर दिया और किसके किसको सिस्टम मान लिया, फर्स्ट पार्ट एंड एम टू को। तो मुझे टी टू से बच गए निकालने से, किससे बच गए, क्योंकि टी टू मेरा रिक्वायरमेंट में नहीं था। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ बोलते रहिएगा। वहाँ पे स्पॉट लाइट कर दीजिए, अभी छूट गया था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थ्योरी उतना ही था जितना तक थ्योरी हो गया, बाकी इसका प्रॉब्लम ही थ्योरी है। जो प्रॉब्लम बताने का तरीका है वही कि आपके लिए क्या बनते रहेगा, थ्योरी बनते रहेगा। बात मत कीजिएगा, बाकी सारा काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा ए स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है स्टूडेंट। और जैसे ही मैंने आइडियल स्ट्रिंग बोल दिया इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कीजिए एवरी पॉइंट पर टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और M1 का वैल्यू है 0.2 केजी और M2 का वैल्यू है 0.3 केजी। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ F0 एंड टेंशन Find the value of F naught and tension for the following situation. First situation, पहला लिखिए first, उसमें first. When the blocks are at rest. सेकेंड सिचुएशन व्हेन दे आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ, यहां लिख दीजिएगा, यहां देखिएगा तो विथ
5 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर नहीं है, फाइव वेलोसिटी दिए हैं, नॉट एक्सेलरेशन। थर्ड, दे आर एक्सेलरेटेड इन अपवर डायरेक्शन विथ, थर्ड में है, दे आर एक्सेलरेटेड इन अपवर डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ, दे आर एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दे आर एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड वाला में तो मैंने बोल दिया ना अपवर्ड डायरेक्शन, दे आर एक्सेलरेटेड इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, दे आर एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड, अपवर्ड लिख लीजिएगा, विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ में लिखिए, दे आर एक्सेलरेटेड डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दे आर एक्सेलरेटेड इन विच डायरेक्शन, विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, करेक्ट। एक मिनट सर, ऐसे इसको इमेजिन कीजिए भाई, मान लेते हैं कि आपके पास कोई बहुत भारी ब्लॉक है, बहुत भारी ब्लॉक है, आप इतना सारा अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन होते हुए देखते हैं, तो देखिए नीचे से सीमेंट ऊपर पहुंचा दिया जाता है, तो जिस कंटेनर से ऊपर ले जाते हैं तो कंटेनर नीचे भी तो आता है, किसके सहारे आता होगा, उतना छोड़िए लिफ्ट से नीचे तो जाते हैं, किसके सहारे जा रहे हैं, लिफ्ट के सहारे मत नहीं बोलना है, लिफ्ट में तो हैं ही, तो लिफ्ट कनेक्ट रहता है रोप से, राइट। या किसी भी थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर से किसी ब्लॉक को रस्सी के सहारे नीचे भेजना है, तो क्या करते हैं उसको, हम लोग धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं यहाँ से रस्सी, बट पकड़ के रखते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अचानक से छोड़ दिए, तो उसको वो टूटना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, पकड़ कर धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे, तो स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा, छोड़ देंगे तो स्ट्रिंग लूज पड़ जाएगा, करेक्ट। इस एक कुछ ऐसा है ना, यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अपने सर पे 500 केजी का वेट लेकर जंप कर गए भाई, जब तक एयर में है तब तक आपको कोई फोर्स नहीं लगेगा उसका, करेक्ट, क्योंकि दोनों फ्री बॉडी फ्री फॉल हो गए, बस गलती से ग्राउंड पे टच मत कीजिएगा, जब तक आप एयर में हैं तब तक आपके और उसके ब्लॉक के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या रहेगा, इस पे प्रॉब्लम लेंगे बाद में, ठीक है, बस कहाँ पे टच नहीं होना है, ग्राउंड में। वैसे ही स्ट्रिंग के सहारे ब्लॉक को हम लोग नीचे लेके जा सकते हैं धीरे धीरे, क्वाजी स्टैटिक स्टेट में भी, मतलब वेरी स्लोली, या थोड़ा एक्सेलरेटेड, थोड़ा जल्दी में तो थोड़ा एक्सेलरेटेड, राइट, तो एक्सेलरेशन नीचे भी हो सकता है, तो है ना कि हाँ नीचे एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है, फोर्स तो ऊपर लगा रहे हैं, तो भाई ब्लॉक को नीचे लेके जाते हैं ना रस्सी के सहारे, बट आप फोर्स किधर लगा के रखते हैं, रस्सी को नीचे पुश करते हैं या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इतना सारा प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में तो होता है, हालांकि उसका थोड़ा सा बचपन में हम लोग उसका मिसयूज भी कर लेते थे, मेरे घर में भी पानी का कुआं है। मेरे गांव का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अब तो वहाँ पे मीठा पानी मिलता है, मीठा पानी मतलब पीने वाला जो हम लोग पीते हैं, एक होता है खारा पानी, ओसन, सी वाटर, राइट। तो वहाँ पे पूरे गांव में कुछ लेवल तक 50 फीट तक या कुआं का जो पानी था वो खारा पानी था, तो हो सकता है कि सॉल्टी मीठी होगा, तो अब 300 फीट पे तो मीठा पानी मिलता है, मतलब पहले चापाकल ही नहीं था, तो हम लोग बचपन में बहुत दूर से पीने वाला पानी लेकर आते थे, मतलब बहुत सारा स्टोरी है देखे हुए लाइफ में, अब वो सब अभी याद करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कितना आलसी हो गए हैं आज, तो मतलब केंट अगर ख़राब हो गया तो फटाक से कॉल करते हैं, इतना भी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट नल वाला पानी पिए, राइट, मतलब हम लोग कितना वीक हो गए अंदर से, पहले डायरेक्ट गाँव में कुआं का पानी निकाल के पी लिए, फिल्टर था ही नहीं, उपाय ही नहीं था ना फिल्टर नहीं था, तो उसी तरीके से रेसिस्टेंट बॉडी का तैयार था एंटीबॉडी,
अब उस टाइम पे बीमारी भी होता था, बट एक्चुअल में उसी के अकॉर्डिंग ढलते चला गया आदमी। तो कुआं में क्या करते थे कि ऐसे बाल्टी लिए और पूरा स्ट्रिंग एक साथ छोड़ दिए, अब चेक करते थे कि ऐसे जाके गिरता है नहीं। क्या चेक करते थे? ऐसे रहता है ना, ऐसे गिरता है नहीं गिरता है, पूरा आइडिया लेकर। और उसके लिए कभी कभी मार भी खाते रहते थे। और कुछ कुछ और भी जो ज़्यादा लेवल का रहते थे बदमाश, वो डायरेक्टली उसके साथ ही खुद ही जम कर जाते थे। गांव के बच्चे तो बहुत स्विमिंग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि डूब जाएंगे, मतलब उनका तो स्विमिंग पूल में थोड़े ट्रेनिंग होता है, उनको तो नहर में ट्रेनिंग होता है, तालाब में, बड़ा सा स्विमिंग पूल में, राइट? तो अलग लेवल का तैयारी रहता है। बहुत जो वहाँ से हाँ एक मिनट रुकिए, बड़े स्टोरी सुना रहे थे। बहुत रफ एंड टफ लाइफ जी के आते हैं, उनको एक शहर का छोटा मोटा स्ट्रगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ना चीज़ों को झेल लेते हैं। मतलब कबड्डी खेलते हैं मिट्टी में, सारा आधा गेम तो मिट्टी का ही होता है। अभी छोटे से बच्चे को देखिए ना, घर पे छोटे से बच्चे को अगर मिट्टी में खेलते रहेगा तो उसको पीट कर एकदम डिटॉल से नहाना स्टार्ट कर देते हैं। मिट्टी में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी है ना, तो वो एक्चुअली वहाँ पे तो अब थोड़ा सा अब उसको मिट्टी कभी लगा ही नहीं, तो थोड़ा डस्ट अगर आ गया तो बस एलर्जी हो गया। और वहाँ गांव के बच्चों को देखिए तो आधा गेम ही मिट्टी का होता है, कबड्डी हो गया, तो इस टाइप का बहुत सारा गेम होता है भाई, और वहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे उसी तरीके से वो रेडी हुए हैं, रफ एंड टाइप। मतलब अभी तक गाँव में देखते हैं तो शायद ही मेरे पूरे गाँव में कभी अभी एसी पहुँचा होगा। अभी हम लोग क्या है, थोड़ा सा गर्मी लगेगा तो पूरा रात नहीं सोइए, क्योंकि मैं अपना भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, सबके साथ कर रहे हैं, जैसा देश वैसा वेश। चलिए इसी बात पर लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था। इफ़ मैक्सिमम टॉलरेबल टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज 10 न्यूटन, लास्ट क्वेश्चन, इफ मैक्सिमम टॉलरेबल टेंशन इज 10 न्यूटन देन फाइंड आउट व्हाट देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल अपवर्ड एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल अपवर्ड एक्सेलरेशन। हाँ ये फिफ्थ नंबर है। तो जिनका भी आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, जो ऑनलाइन स्टूडेंट बोले हैं 5 न्यूटन, एफ किसका 5 न्यूटन था, T1 का, ए फोर्स का, F1 F का, वो सही था। आप ये 5 क्वेश्चन घर पे ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इस, ये मेरा होमवर्क रहा, इस 5 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, बाकी लोग के टाइम दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें सिखाना भी है, सिर्फ आंसर के लिए नहीं, इसको यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप केयर क्योंगे। पहला क्वेश्चन मैंने मैसिव रूप लिया था, दूसरे क्वेश्चन में आइडियल स्ट्रिंग लिया है। यहाँ देखेंगे ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, दो ब्लॉक है ए एंड बी, ब्लॉक ए पे ब्लॉक बी है, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। Find the acceleration of block A and B. Find the acceleration of block A and B. Second question. Normal contact force between A and B. Normal contact force between A and B. सॉल्व कीजिए, इसको क्लास में सॉल्व करना है।
फाइंड एक्सलेशन ऑफ ए एंड बी, ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। ये तो ऑब्वियस है ना, अगर नहीं मेंशन करें सरफेस के बारे में तो उसको क्या लेना है, फ्रिक्शनलेस लेना है। यहां देखें स्टूडेंट, ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। कौन कौन सा फोर्स, एम ए जी और एन वन एन टू और एक अप्लाइड फोर्स एफ। इस पे और कोई फोर्स लगेगा नहीं। बी का फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन सा फोर्स और एक और कौन सा फोर्स, एन टू। ए और ए, ए और ए एक्शन रिएक्शन कपल, और एनी फोर्स नहीं। यहाँ देखिए, इसमें इस पार्ट के लिए, ए के लिए सारे फोर्स को हॉरिजॉन्टल राइट बाय डायरेक्शन में ब्रेक कीजिए। इसका कंपोनेंट जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, सिर्फ इसका कंपोनेंट मिलेगा। एफ इक्वल टू व्हाट, एम ए इंटू ए एक्सेशन ऑफ ए, एंड व्हाट द एक्सेशन ऑफ ए, एफ वाई एम ए, कितना हो जाएगा एवरी वन, टेन बाई वन, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है ना। और व्हाट अबाउट दिस वन, हॉरिजॉन्टल राइट बाय डायरेक्शन में इसका फोर्स और कंपोनेंट क्या रहेगा, जीरो। यहां पे सिस्टम नहीं मान सकते हैं, सिस्टम नहीं मानने के पीछे का वजह है, अब थोड़ा आगे चल पढ़ाऊंगा, कि जब वो आपस में उससे रिजिडली कम से कम किसी ना किसी तरीके से बंधा हुआ है, अटैच है। यहाँ पे ए और बी ऐसा लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर क्या है, स्लाइड कर रहा है। क्या ये साथ साथ मूव करेगा, ये जब देखते हैं लाइब्रेरी में जनरली हम लोग दो तीन चार बुक का सेट है तो नीचे से एक हम लोग पुल कर लेते हैं और बाकी तीन क्या रहता है, हालांकि थोड़ा आगे आता है क्योंकि उसके बीच में फ्रिक्शन है, बट यहाँ पर इसके बीच में फ्रिक्शन है, इसको अगर पुल करेंगे तो क्या इसके साथ मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। ये नीचे, ये पुल करने के बाद ये नीचे गिर जाएगा, करेक्ट। इसलिए यहाँ पर रिजिडली नहीं था, इस डायरेक्शन के लिए सिस्टम माना इसको सही। यहाँ पर ए और बी आर नॉट मूविंग टुगेदर, ए एंड बी आर नॉट मूविंग टुगेदर इन हॉरिजॉन्टल राइट वर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे अलग अलग किया है। सबको समझ में आ गया है बात, चलिए। तो इसका एक्सेशन क्या रहेगा, सारे फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल राइट वर्ड डायरेक्शन जीरो, इक्वल टू क्या लिखेगा, एम बी इंटू ए बी, इसका मतलब ए बी क्या रहेगा एवरी वन, जीरो रहेगा, ठीक है, करेक्ट है ना। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस ए और बी का मोशन क्या वर्टिकल डायरेक्शन, देखिए जो आप डे टू डे लाइफ में देखकर फील करते हैं मैकेनिक्स वही है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होने का चांस है इस केस में, नहीं है। ये तो बिल्कुल अगर ये फोर्स नहीं रहता तो बिल्कुल ऐसे रखा रहता, और इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मोशन होने का चांस भी था, तो किधर होने का चांस था, हॉरिजॉन्टल राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम में है, राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ए भी इक्विलिब्रियम में है और बी भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करते हैं बी का तो क्या लिख सकते हैं, एम टू माइनस एम थ्री जी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, बट वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ही नहीं है, क्या नहीं है, जब मोशन ही नहीं है, इवन की वेलोसिटी नहीं है, क्या रेस्ट में है, दैट्स व्हाई एन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टू सॉरी एम बी जी, कितना न्यूटन, एन टू का वैल्यू
500 न्यूटन करेक्ट है ना। चलिए तो ये तो शायद हम लोग का क्वेश्चन था, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, और सेकंड क्वेश्चन क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन, तो ये एन टू ही कॉन्टैक्ट फोर्स था ए और बी के बीच का। ए और ए आपस में क्या है, चलिए यहाँ देखिए इस प्रॉब्लम में क्या किया गया है। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक किनारे पे ब्लॉक है और दूसरे किनारे पे फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक नहीं है फोर्स लगा रहे हैं, करेक्ट। तो आज के बाद स्ट्रिंग के किसी एक के, अगर वो स्ट्रिंग ध्यान से देखिए आप प्रॉब्लम बनाते टाइम कुछ अगर एक्स्ट्रा बोलते रहूँगा तो वही आपके लिए थ्योरी बनते चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर स्ट्रिंग के किसी एक किनारे पे, लास्ट बेंच का सेकंड, स्ट्रिंग के किसी एक किनारे अगर फ्री है उस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं तो वही यहाँ का टेंशन रहेगा, वही यहाँ का क्या रहेगा, और ये आइडियल स्ट्रिंग है तो यही क्या रहेगा, हर जगह का टेंशन बन जाएगा। यहाँ से मैंने क्या सिखाया, इसको नोट कर लेना चाहिए आप लोग को, कि स्ट्रिंग के किसी एक किनारे पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स क्या बन जाएगा, उस स्ट्रिंग के इच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन, करेक्ट है ना। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और एम का वैल्यू था 10 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। और मान लीजिए एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस ब्लॉक का मास और फोर्स दिया हुआ है, टेन के जी, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बोलिए आंसर है 0.2 meter per second square। वेरी गुड, एक आंसर सही से क्वेश्चन को पकड़ लिया भाई। एग्जाम में अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो 9.8 पकड़िएगा, आपको आप लोगों को नींद से जगा दिए, क्योंकि हम लोग एक बिल्कुल इजी लाइफ में चले गए। क्या लेना है था जी का, नहीं जब दिया रहेगा तब, नहीं दिया रहेगा तो कितना पकड़ना है 9.8। इस बात के लिए मतलब आपसे मिस्टेक करवा दिया जाएगा, बिल्कुल चोर सिपाही का गेम चल रहा है, क्योंकि उनको भी पता है ना कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे जी का लोग 10 लेना पसंद करते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन ही नहीं किया तो खुद से क्या मानिएगा 9.8, करेक्ट। इसलिए क्वेश्चन ये थे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना रहेगा 100 न्यूटन, जो यहाँ पे आपने फोर्स लगाया वही यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो जाएगा टेंशन के फॉर्म में, और यहाँ पे mg, करेक्ट।
और सारे फोर्स को ऊपर की तरफ रिजॉल्व करेंगे, मतलब मैं मान लिया कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है राइट, और जो मैंने माना उसके अकॉर्डिंग अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब ऊपर एक्सेलरेट रहेगा, और निगेटिव आ गया मतलब नीचे रहेगा, क्योंकि इस केस में ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू व्हाट, एम ए, तो 100 माइनस 10 इंटू 9.8 इक्वल टू व्हाट 10, देन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/10 0.2 मीटर। ऐसा भी हो सकता है नहीं, तो यहाँ पे अलर्ट रहना है, जी का वैल्यू भी क्या पकड़ना है, अगर जी इक्वल टू 10 दिया हुआ है देन वेल एंड गुड, नहीं दिया रहेगा तो जनरली क्या कोशिश करना है 9.8। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, तो जो आज नोटबुक लिखे वो दोबारा घर पे ऐसे होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक होमवर्क है।